अरे उधर के दिले तो बहुत इंजॉय किया सर जी। गुलमर्ग में इंजॉय किया, पहलगाम में इंजॉय किया, बोट में अभी आए हुए यहाँ पे और काफी अच्छा लग रहा है। वेदर तो बहुत अच्छा है, खुशनुमा है। तो ये जो डल फ्रीज हुआ है पहली बार देखा? जी सर, पहली बार ही देखा। तो कितना एंजॉय किया? बहुत ज्यादा, बहुत मजा आ रहा है सर। तो किस तरह का माहौल था जब आप गए इधर से घूमने के बाद में? तो ठंडी तो काफी है, पर सब वो मिलता रहता खाने को बीच बीच में, तो हम लोग खाते रहते, इसको एंजॉय करते रहते हम लोग। तो ये जो फ्रीज हुआ है डल, जी डल का ऊपर जो हिस्सा है, जी वो फ्रीज हुआ। जी जी, वो यही तो कम देखने को मिलता है ऐसा, जो इस बार मिला है देखने को। हम हर साल लाते हैं, हम फरवरी में भी आके गए तो उस वक्त तो ओके था, यानी इतना ये नहीं था, फ्रीजिंग नहीं था। अब ज्यादा फ्रीजिंग है इस बार। ये डल जो फ्रीज हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी, ग्लास टाइप लग रहा है ये पूरा। और लास्ट टाइम आए थे तब ये ऐसा कुछ नहीं था, ये पहली बार देख रहे हैं हम फ्रीज। तो कैसा लगा जब आप शिकारा में तोड़ते थे इसको? बहुत अच्छा लग रहा था, ये पूरा ऐसे कड़क फ्रीज हुआ बर्फ, अच्छा लग रहा था देखने में। ये ऐसा बर्फ तो हमने फ्रीज में ही देखा है, पहले तो ऐसे कभी देखा नहीं है। इस वक्त सर पूरे ये अंदर का पार्ट आप देख रहे हैं, कैमरामैन भी देख रहा है खुद, ये पूरा फ्रीज हो रहा है सर। इस वक्त हमको तोड़ना पड़ता है, इसमें बहुत सारी मेहनत होती है सवेरे सवेरे बिल्कुल मॉर्निंग, और ऊपर से ठंडी बहुत ज्यादा है यहाँ पे सर। तो ये जो टूरिस्ट आते हैं कितना एंजॉय करते हैं? टूरिस्ट यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं सर, टूरिस्ट भी बहुत आ रहे हैं इस वक्त, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जैसे गुलमर्ग, डल लेक, पहलगाम, सोनमर्ग, तो हर जगह जाते हैं, तो बहुत एंजॉय करते हैं इस वक्त कश्मीर में। तो आप कैसे घुमाते हैं टूरिस्ट को डल में? एक्चुअली सर मैंने बताया ना पहले ही, इसमें बहुत हार्ड वर्क, इसमें थोड़ा वो आइस तोड़ना पड़ता है, फिर स्पेस बनाना पड़ता है, जगह बनाना पड़ता है, तो जगह के वो हिसाब से वो निकालता है शिकार सर।